आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सक्षम फाउंडेशन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के कई जगहों पर की गई, जिसकी शुरुआत कोतवाली परिसर से की गई। इसके अलावा लाजपत पार्क के अलावा कई जगहों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। सक्षम फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता तिवारी ने बताया कि प्रकृति के बचाव से हमारा बचाव होगा, इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर हम कसम खा है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे को लगाए और जिससे हमें शुद्ध और ऑक्सीजन मिल सके और हम स्वस्थ रह सके। इस कार्यक्रम में सक्षम फाउंडेशन के संरक्षक व कोषाध्यक्ष शांति पाठक, महासचिव अभय घोष सोनू, उपाध्यक्ष नीरज तिवारी, उपाध्यक्ष पिंकी वाडकोड़िया, अभिजय पांडे, अनुपमा चौधरी, ऋषभ स्वप्निल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। और ऑक्सीजन की जो कमी आई आपको, एक पेड़ लगाने पर अगर आपका वो लगता है और वो बच जाता है तो 10 व्यक्ति को एक साल तक ऑक्सीजन वो देता है, एक पेड़। तो आप सोचिए कि अगर इस तरह का हरेक संस्था, हरेक मनुष्य, और आज पर्यावरण दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अन्य दिन भी, अगर लोग अपने अपने इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार अगर एक एक पेड़, दो दो पेड़ ही लगाए और उनको बचा, मान लीजिए अगर 100 पेड़ लगाया, ठीक है, 100 पेड़ में मान लीजिए 30 पेड़ ही बचा, 70 पेड़ मान लीजिए नहीं बच पाया किसी कारणवश, तो 30 पेड़ जो आपको वो फल देगा या जो आपको उसका रिजल्ट आएगा आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल के बाद, वो आपके बच्चे के लिए और आपके भविष्य के लिए वो सुखदायी रहेगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि पर्यावरण में आपका जैसे पेड़ आता है, बारिश आती, पानी आती है, ये दो अहम चीज़ है। लोग आज पानी के ऊपर भी जो है सोचते हैं चलो पानी है बहा दो, लेकिन नहीं, जब एक विश्व युद्ध हुआ था आपका, दो हुआ, तीसरा विश्व युद्ध जैसे लोगों का कहना है वो पानी के लिए आवार होगा, क्योंकि जब पानी की आपको पता है कि मात्र 4% या 6% पानी ही आपके पीने लायक हो गया, बाकी पानी आप जो देख रहे हैं वो पीने लायक नहीं है, तो उतने सा पानी में आपको पूरे विश्व को बचाना है। तो विश्व को बचाने के लिए आपको पेड़ भी लगाना होगा, पानी का जल संरक्षण भी करना होगा, जो हमारे संस्था का उद्देश्य भी वही है, जल संरक्षण और महिला सुरक्षा और बाल विकास, ये तीन पे हम लोग काम करते हैं।